संसार में जितने भी धार्मिक मत मतांतर हैं, वो सबके सब किसी महापुरुष के पीछे श्रद्धालुओं का संगठित समाज है। महापुरुष की एकांत भजन स्थली ही कालांतर में तीर्थ आश्रम मठ और मंदिरों का रूप ले लेते हैं, जहां महापुरुष के नाम पर जीविकोपार्जन से लेकर विलासिता तक के साधन जुटाए जाते हैं। गद्दियां महापुरुष के बाद बनती हैं, गद्दियों से कोई महापुरुष नहीं बनता। इसीलिए धर्म सदा से ही प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष के क्षेत्र की वस्तु रहा है। गीता ऐसे ही निर्विवाद महापुरुष योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, जिसके चिरंतन सत्यों से आपका साक्षात करा रहा है यथार्थ गीता का ये कैसेट प्रसारण। ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद गीता अथैकादशो अध्यायः। गत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपनी प्रधान प्रधान विभूतियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया, किंतु अर्जुन को लगा कि उसने विस्तार से सुन लिया है। उसने कहा कि आपकी वाणी सुनने से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया। आपने जो कहा उसे प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। सुनने और देखने में पश्चिम और पूर्व का अंतर है। चलकर देखने पर वस्तु स्थिति कुछ और ही होती है। अर्जुन ने उस रूप को देखा तो कांपने लगा, क्षमा याचना करने लगा। क्या ज्ञानी भयभीत होता है? उसे कोई जिज्ञासा रह जाती है? नहीं, बौद्धिक स्तर की जानकारी सदैव धूमिल रहती है। हां, वो यथार्थ जानकारी के लिए प्रेरणा अवश्य देती है। इसलिए अर्जुन ने निवेदन किया। अर्जुन उवाच, मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतं यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम। भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो आपके द्वारा गोपनीय अध्यात्म में प्रवेश दिलाने वाला उपदेश कहा गया, उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया, मैं ज्ञानी हो गया। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। कि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुना है तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपं ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु मैंने उसे केवल सुना है। अतः हे पुरुषोत्तम, उस ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे
हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वो रूप देखा जाना संभव है। यदि आप ऐसा मानते हो तो योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस पर योगेश्वर ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि पहले भी वे स्थान स्थान पर कहे आए हैं कि तू मेरा अनन्य भक्त और प्रिय सखा है। अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने अपना स्वरूप दर्शाया। श्री भगवान उवाच। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले दिव्य स्वरूप को देख। पश्चादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भारत, अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों और 49 मरुदगणों को देख, तथा अन्य बहुत से पहले तुम्हारे द्वारा कभी न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। अर्जुन, अब मेरे इस शरीर में एक ही स्थान पर स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है वो देख। इस प्रकार तीनों श्लोकों तक भगवान लगातार दिखाते चले गए, किंतु अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं पड़ा, वो आंखें मलता रह गया। अतः ऐसा दिखाते हुए भगवान सहसा रुक जाते हैं और कहते हैं, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अर्जुन, तू मुझे अपने नेत्रों द्वारा अर्थात बौद्धिक दृष्टि द्वारा देखने में समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक दृष्टि देता हूं, जिससे तू मेरे प्रभाव और योग शक्ति को देख। इधर योगेश्वर श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से अर्जुन को वही दृष्टि प्राप्त हुई, उसने देखा, और उधर योगेश्वर व्यास के कृपा प्रसाद से वही दृष्टि संजय को मिली थी। जो कुछ अर्जुन ने देखा अक्षरशः वही संजय ने भी देखा, और उसके प्रभाव से अपने को कल्याण का भागी बनाया। स्पष्ट है कि श्री कृष्ण एक योगी के समकक्ष है। संजय उवाच। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय बोला, हे राजन, महायोगेश्वर हरि ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत पार्थ को अपना परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया, जो स्वयं योगी हैं
और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो, जो योग का स्वामी हो उसे योगेश्वर कहते हैं। इसी प्रकार सर्वस्व का हरण करने वाला हरि है। यदि केवल दुखों का हरण किया और सुख छोड़ दिया तो दुख आएगा। अतः सब पापों के नाश के साथ सर्वस्व का हरण करके अपना स्वरूप देने में जो सक्षम है वो हरि है। उन्होंने पार्थ को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, सामने तो खड़े ही थे। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, अनेक दिव्य भूषणों से युक्त और अनेक दिव्य शस्त्रों को हाथ से उठाए तथा दिव्यमाल्यांबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव को दृष्टि मिलने पर अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगपदुत्थिता यदि भा सदृशी सास्या भासस्तस्य महात्मनः। संजय बोला, हे राजन, आकाश में एक साथ हजार सूर्यों के उदय होने से जितना प्रकाश होता है वो भी विश्व रूप उन महात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। यहां श्री कृष्ण महात्मा ही है, योगेश्वर थे। तत्रैकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने, पुण्य ही पांडु है, पांडु ही अनुराग को जन्म देता है, उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को उन परम देव के शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः सविस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। इसके पश्चात आश्चर्य से युक्त हर्षित रोमो वाला वो अर्जुन परमात्म देव को शिर से प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोला। यहां अर्जुन ने अंतःकरण से नमन किया और कहा, अर्जुन उवाच, पश्यामि देवांस्तव देव देहि सर्वांस्तथा भूत विशेष संघां ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश सर्वानुरगांश दिव्यां। हे देव, आपके शरीर में मैं संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। ये प्रत्यक्ष दर्शन था, कोरी कल्पना नहीं। किंतु ऐसा तभी संभव है जब योगेश्वर
पूर्णत्व प्राप्त महापुरुष हृदय से दृष्टि प्रदान करे, ये साधन गम्य है। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। विश्व के स्वामी, मैं आपको अनेक हाथ पेट मुख और नेत्रों से संयुक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, न मैं आपके आदि को न मध्य को और न अंत को ही देखता हूं, अर्थात आपके आदि मध्य और अंत का निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज स्वरूप, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश, देखने में दुष्कर अर्थात कठिनाई से देखा जाने वाला और सब ओर से बुद्धि आदि से ग्रहण न हो सकने वाला अप्रमेय देखता हूं। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों से पूर्णतया समर्पित होकर योगेश्वर श्री कृष्ण को इस रूप में देखकर अर्जुन उनकी स्तुति करने लगा। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। भगवन्, आप जानने योग्य परम अक्षर अर्थात अक्षय परमात्मा है। आप इस जगत के परमाश्रय हैं, आप शाश्वत धर्म के रक्षक हैं तथा आप अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आत्मा का स्वरूप क्या है? शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त रूप है, अविनाशी है। यहां कृष्ण का क्या स्वरूप है? वही शाश्वत, सनातन, अव्यय, अविनाशी, अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष भी उसी आत्मभाव में स्थित होता है। तभी तो भगवान और आत्मा एक ही लक्षण वाले। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम् अनंत बाहूं शशि सूर्य नेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। हे परमात्मन, मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत हाथों वाला चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्रों वाला तथा प्रज्वलित अग्नि रूपी मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपाते हुए देखता हूं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एकमात्र आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अलौकिक भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अत्यंत व्यथित हो रहे हैं।
अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृणन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके गुणों का गान कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय स्वस्ति वाचन अर्थात कल्याण हो ऐसा कहते हुए संपूर्ण स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्यावसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, वायुदेव और पितरों तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय सभी आश्चर्य से आपको देख रहे हैं, अर्थात देखते हुए भी समझ नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास वो दृष्टि ही नहीं है। कृष्ण ने पीछे बताया था कि आसुरी स्वभाव वाले लोग मुझे तुच्छ कहकर संबोधित करते हैं, सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं, जबकि मैं परम भाव में परमेश्वर रूप में स्थित हूं। यद्यपि हूं मनुष्य शरीर के आधार वाला, उसी का विस्तार यहां है कि वे आश्चर्य से देख रहे हैं, यथार्थतः समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं देखते। रूपम महत्ते बहुत्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम् बहूदरम् बहुदंष्ट्राकरालम् दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। महाबाहो, कृष्ण महाबाहु है और अर्जुन है। प्रकृति से परे महान सत्ता में जिसका कार्य क्षेत्र हो वो महाबाहु है। कृष्ण महानता के क्षेत्र में पूर्ण है, अधिकतम सीमा में है। अर्जुन उसी की प्रवेशिका में है, मार्ग में है, मंजिल मार्ग का दूसरा छोर ही तो है। महाबाहु योगेश्वर, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, अनेक विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। अब अर्जुन को कुछ भय हो रहा है कि श्री कृष्ण इतने महान हैं। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्याप्ताननं दीप्त विशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। विश्व में सर्वत्र अणुरूप से व्याप्त हे विष्णु, आकाश को स्पर्श किए हुए प्रकाशमान अनेक रूपों से युक्त फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर विशेष रूप से भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और मन के समाधान रूपी शांति को नहीं पा रहा। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म
प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपके विकराल दाढ़ों वाले और कालाग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा हूं। चारों ओर प्रकाश देखकर दिशा भ्रम हो रहा है। आपका ये रूप देखते हुए मुझे सुख भी नहीं मिल रहा है। देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। अमी चत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघै भीष्मो द्रोण सूत पुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योद्धमुख्यै। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वो कर्ण जिससे अर्जुन बहुत भयभीत था, वो कर्ण एवं हमारी ओर के भी प्रधान योद्धाओं सहित सब के सब। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति तंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगै। बड़े वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं तथा उनमें से कितने ही चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वे किस वेग से प्रवेश कर रहे हैं, अब उनका वेग देखिए। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह अपने में विकराल होते हुए भी समुद्र की ओर दौड़ते हैं, समुद्र में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी प्रकार वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात वे अपने में शूरवीर तो हैं, किंतु आप समुद्रवत हैं। आपके समक्ष उनका बल अत्यल्प है। वे किस लिए और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, इसके लिए उदाहरण प्रस्तुत है। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे पतंगे नष्ट होने के लिए ही प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब प्राणी भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अत्यंत बढ़े हुए वेग से प्रवेश कर रहे हैं। ले लिह से ग्रसमान समन्ता लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्भि तेजो भिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। आप उन समस्त लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा सब ओर से निगलते हुए चाट रहे हैं, उनका आस्वादन कर रहे हैं। हे व्यापनशील परमात्मन, आपकी उग्र प्रभा संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके तप रही है। तात्पर्य यह है कि पहले आसुरी संपद परम तत्व में विलीन हो जाती है, उसके पश्चात दैवी संपद का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, इसलिए वो भी उसी स्वरूप में विलीन हो जाती है। अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष
तदनंतर उसके अपने पक्ष के योद्धा कृष्ण के मुख में विलीन होते जा रहे। उसने पूछा, आख्याहि मे को भवानुग्रह रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। मुझे बताइए कि भयंकर आकार वाले आप कौन है? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न हो आदि स्वरूप, मैं आपको भली प्रकार जानना चाहता हूं। जैसे आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं? क्योंकि आपकी प्रवृत्ति अर्थात चेष्टाओं को नहीं समझ पा रहा हूं। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण बोले, श्री भगवान उवाच, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं और इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित जितने योद्धा हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, वे जीवित नहीं बचेंगे, इसीलिए प्रवृत्त हुआ हूं। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्, मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए अर्जुन, तो युद्ध के लिए खड़ा हो, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत, समृद्धि संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। सव्यसाचिन, तू केवल निमित्त मात्र बन। प्रायः सर्वत्र कृष्ण ने कहा है कि वो परमात्मा न कुछ स्वयं करता है, न कराता है, न संयोग ही जोड़ता है। मोहावृत्ति बुद्धि के कारण ही लोग कहते हैं कि परमात्मा कराता है, किंतु यहां वे स्वयं ताल ठोक कर खड़े हो जाते हैं कि अर्जुन, करता धरता तो मैं, मेरे द्वारा ये लोग पहले से ही मारे हुए, तो खड़ा भर हो, यश ले ले। ऐसा इसलिए है कि सो केवल भगतन हित लागी। अर्जुन उसी अवस्था को प्राप्त कर चुका था कि भगवान स्वयं ताल ठोक कर खड़े हो गए। अनुराग ही अर्जुन है, अनुरागी के लिए भगवान सदैव खड़े हैं, उन्हीं के करता है रथी बन जाते हैं। यहां गीता में तीसरी बार साम्राज्य का प्रकरण आया है। पहले अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, उसने कहा कि पृथ्वी के धन धान्य संपन्न अकंटक साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन अथवा त्रैलोक्य के राज्य में भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे इस शोक को दूर कर सके। जब तड़पन बनी ही रहेगी तो हमें नहीं चाहिए। योगेश्वर ने कहा, इस युद्ध में हारोगे तो देवत्व और जीतने पर महामहिम की स्थिति मिलेगी। और यहां 11वें अध्याय में कहते हैं कि ये शत्रु मेरे द्वारा मारे गए हैं, तू निमित्त मात्र भर बन जा, यश को प्राप्त कर और समृद्ध राज्य को भोग। फिर वही बात जिस बात से अर्जुन चौंकता है, जिसमें वो शोक मिटता हुआ नहीं देखता, क्या श्री कृष्ण फिर भी वही राज्य देंगे? नहीं, वस्तुतः विकारों के अंत के साथ
परमात्म स्वरूप की स्थिति ही वास्तविक समृद्धि है, जो स्थिर संपत्ति है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, राजयोग का परिणाम है। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। इन द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्यान्य बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर, संग्राम के वैरियों को तू निश्चित जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। यहां भी योगेश्वर ने कहा कि मेरे द्वारा मारे हुए इन मरे हुओं को तू मार, स्पष्ट किया कि मैं करता हूं, जबकि पांचवें अध्याय के 13, 14 एवं 15 श्लोक में उन्होंने कहा था भगवान अकर्ता है। 18वें अध्याय में वे कहते हैं शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक कार्य के होने में 5 माध्यम हैं, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, जो कहते हैं कैवल्य स्वरूप परमात्मा करते हैं। वे अविवेकी हैं, यथार्थ नहीं जानते, अर्थात भगवान नहीं करते। ऐसा विरोधाभास क्यों? वस्तुतः प्रकृति और उस परमात्म पुरुष के बीच एक सीमा रेखा है। जब तक प्रकृति के परमाणुओं का दबाव अधिक रहता है, तब तक माया प्रेरणा देती है, और जब साधक उससे ऊपर उठ जाता है, ईश्वर, इष्ट अथवा सद्गुरु के कार्यक्षेत्र में प्रवेश प्राप्त कर लेता है। उसके बाद सद्गुरु, इष्ट, याद रहे प्रेरक के स्थान पर सद्गुरु, आत्मा, परमात्मा, इष्ट, भगवान पर्यायवाची, कुछ भी कहें, कहता भगवान ही है। हृदय से रथी हो जाता है, आत्मा से जागृत होकर उस अनुरागी साधक का स्वयं पथ संचालन करने लग जाता है। पूज्य महाराज जी कहते थे हो जिस परमात्मा की हमें चाह है, वो जिस सतह पर खड़े हैं, उस सतह पर स्वयं उतर कर जब तक आत्मा से जागृत नहीं हो जाता, तब तक सही मात्रा में साधन का आरंभ नहीं होता। उसके बाद जो कुछ साधक से पार लगता है वो उनकी देन है। साधक तो निमित्त मात्र होकर उनके संकेत और आदेश पर चलता भर रहता है, साधक की विजय उनकी देन है। ऐसे अनुरागी के लिए ईश्वर अपनी दृष्टि से देखता है, दिखाता है और अपने स्वरूप तक पहुंचाता है। यही श्री कृष्ण कहते हैं मेरे द्वारा मारे हुए इन बैरियों को मार, निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी, मैं जो खड़ा हूं। संजय उवाच। एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। संजय बोला जो कुछ अर्जुन ने देखा ठीक वैसा ही संजय ने देखा है। अज्ञान से आच्छादित मन ही अंधाधृत राष्ट्र है, लेकिन ऐसा मन भी संयम के माध्यम से भली प्रकार देखता, सुनता और समझता है। केशव के इन उपर्युक्त वचनों को सुनकर किरीटधारी अर्जुन भयभीत होकर कांपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करके फिर श्री कृष्ण से इस प्रकार गदगद वाणी में ही बोला। अर्जुन उवाच। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्ररिष्यत्यनुरज्यते च
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा। हे अंतर्यामिन ऋषिकेश, ये उचित ही है कि आपकी कीर्ति से संसार हर्षित होता है और अनुराग को प्राप्त होता है। आपकी ही महिमा से भयभीत हुए राक्षस दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय आपकी महिमा को देखकर नमस्कार करते हैं। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े, आपके लिए वे सब कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, सत असत और उनसे भी परे अक्षर अर्थात अक्षय स्वरूप आप ही हैं। अर्जुन ने अक्षय स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन किया था, केवल बौद्धिक स्तर पर कल्पना करने या मान लेने मात्र से कोई ऐसी स्थिति नहीं मिलती जो अक्षय हो। अर्जुन का प्रत्यक्ष दर्शन उसकी आंतरिक अनुभूति है। उसने सविनय कहा, त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले हैं, जानने योग्य हैं तथा परम धाम हैं। हे अनंत स्वरूप, आपसे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, आप सर्वत्र हैं। वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार है, फिर भी बार बार नमस्कार है। अतिशय श्रद्धा और भक्ति के कारण नमन करते हुए अर्जुन को तृप्ति नहीं हो रही है। वो कहता है, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। हे अत्यंत सामर्थ्य वाले, आपको आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्वात्मन, आपको सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि हे अत्यंत पराक्रमशाली, आप सब ओर से संसार को व्याप्त किए हुए, इसलिए आप ही सर्वरूप और सर्वत्र हैं। इस प्रकार बार बार नमस्कार करके भयभीत अर्जुन अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करता है। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि।
आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आपको सखा मित्र मानकर मेरे द्वारा प्रेम अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार जो कुछ भी हठपूर्वक कहा गया है तथा यच्चावहा सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए विहार, शैया, आसन और भोजनादिकों में अकेले अथवा उन लोगों के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वो सब अपराध अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता। किस प्रकार क्षमा करें? पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयाम् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेप्य प्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता, गुरु से भी बड़े गुरु और अति पूजनीय है, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, ऐसे अप्रतिम प्रभाव वाले आपके समान तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे होगा? आप सखा भी नहीं, सखा तो समकक्ष होता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधायकायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। आप चराचर के पिता हैं, इसलिए मैं अपने शरीर को भली प्रकार आपके चरणों में रखकर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करने योग्य हैं। अपराध क्या था? हमने कभी हे यादव, हे सखा, हे कृष्ण कहा था? समाज के बीच अथवा एकांत में कहा था? भोजन के समय अथवा सोने के समय कहा था? क्या कृष्ण कहना अपराध था? काले थे ही, गोरे कैसे कहे जाते? यादव कहना भी अपराध नहीं था, क्योंकि यदुकुल में तो जन्म ही हुआ था। सखा कहना भी अपराध नहीं था, क्योंकि स्वयं कृष्ण भी अपने को अर्जुन का सखा मानते थे। जब कृष्ण कहना अपराध ही है, एक बार कृष्ण कहने के लिए अर्जुन अनंत बार गिड़गिड़ा कर क्षमा याचना कर रहा है, तो जब किसका करे, नाम कौन सा लें? वस्तुतः चिंतन का जैसा विधान स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया है, वैसा ही आप करें। उन्होंने पीछे बताया, ओमित्ये काक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। अर्जुन, ओम। बस इतना ही अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, इसका तू जप कर और ध्यान मेरा धर, क्योंकि उस परम भाव में प्रवेश मिल जाने के पश्चात उन महापुरुष का भी यही नाम है जो उस अव्यक्त का परिचायक है। प्रभाव देखने पर अर्जुन ने पाया कि ये न तो काले हैं, न गोरे, न सखा हैं, न यादव, ये तो अक्षय ब्रह्म की स्थित वाले महात्मा हैं। संपूर्ण गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने 5 बार ओम के उच्चारण पर बल दिया। अब यदि आपको जप करना है तो कृष्ण कृष्ण न कहकर ओम का ही जप करें। प्रायः भाविक लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं,
कोई ओम जपने के अधिकार और अनाधिकार की चर्चा से भयभीत है तो कोई महात्माओं की दुहाई देता है, अथवा कोई कृष्ण ही नहीं उनसे पहले राधा और गोपियों का नाम भी उनकी शीघ्र प्रसन्नता के लोक में छपता है। पुरुष श्रद्धामय है इसलिए उनका ऐसा जपना मात्र भावुकता है। यदि आप सचमुच भाविक हैं तो उनके आदेश का पालन करें। वे अव्यक्त में स्थित होते हुए भी आज आपके सामने नहीं है, लेकिन उनकी वाणी आपके समक्ष है। उनकी आज्ञा का पालन करें, अन्यथा आप ही बताइए कि गीता में आपका क्या स्थान है। हां, इतना अवश्य है कि अध्येष्यते च यैमं श्रद्धावानं सूयश्च शृणुयादपि यो नरः। जो अध्ययन करता है, सुनता है, वो ज्ञान तथा यज्ञ को जान लेता है, शुभ लोकों को पा जाता है। अतः अध्ययन अवश्य करें। प्राण अपान के चिंतन में कृष्ण नाम का क्रम पकड़ में नहीं आता। बहुत से लोग कोरी भावुकतावश केवल राधे राधे कहने लगे। आजकल अधिकारियों से काम न होने पर उनके सगे संबंधियों से, प्रेमी या पत्नी से सोर्स लगाकर काम चला लेने की परंपरा है। लोग सोचते हैं कदाचित भगवान के घर में भी ऐसा चलता होगा, अतः उन्होंने कृष्ण कहना बंद करके राधे राधे कहना आरंभ कर दिया। वे कहते हैं राधे राधे श्याम मिला दे। जो राधा एक बार बिछुड़ी तो स्वयं श्याम से नहीं मिल पाई, वो आपको कैसे मिला दे। अतः अन्य किसी का कहना न मानकर श्री कृष्ण के आदेश को आप अक्षरशः माने, ओम का जप करें। हां, यहां तक उचित है कि राधा हमारा आदर्श है, उतनी ही लगन से हमें भी लगना चाहिए। यदि पाना है तो राधा की तरह विरही बनना है। आगे भी अर्जुन ने कृष्ण कहा, कृष्ण उनका प्रचलित नाम था। ऐसे कई नाम थे जैसे गोपाल, किंतु बहुत से साधक गुरु गुरु या गुरु का प्रचलित नाम भावुकतावश जपना चाहते हैं, किंतु प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक महापुरुष का वही नाम है जिस अव्यक्त में वो स्थित है। बहुत से शिष्य प्रश्न करते हैं, गुरुदेव जब ध्यान आपका करते हैं तो पुराना नाम ओम इत्यादि क्यों जपें, गुरु गुरु अथवा कृष्ण कृष्ण क्यों न कहें। किंतु यहां योगेश्वर ने स्पष्ट किया कि अव्यक्त स्वरूप में विलय के साथ महापुरुष का भी वही नाम है जिसमें वो स्थित है। कृष्ण संबोधन था, जपने का नाम नहीं। योगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन ने अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की, उन्हें स्वाभाविक रूप में आने की प्रार्थना की। कृष्ण मान गए, सहज हो गए, अर्थात उसे क्षमा भी कर दिया। उसने निवेदन किया, अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनोमि तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अभी तक अर्जुन के समक्ष योगेश्वर विश्व रूप में है, अतः वो कहता है कि मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं तथा मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। पहले तो सखा समझता था, धनुर्विद्या में कदाचित अपने को कुछ आगे ही पाता था, किंतु अब प्रभाव देखकर भय हो रहा है। पिछले अध्याय में प्रभाव सुनकर वो अपने को ज्ञानी मानता था। ज्ञानी को कहीं भय नहीं होता है, वस्तुतः प्रत्यक्ष दर्शन का प्रभाव ही विलक्षण होता है। सब कुछ सुन लेने और मान लेने के बाद भी सब कुछ चलकर जानना शेष ही रहता है। वो कहता है, पहले न देखे हुए आपके इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूं, मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है। अतः हे देव,
आप प्रसन्न हो। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अपने उस रूप को ही मुझे दिखाइए। कौन सा रूप? किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं आपको वैसे ही अर्थात पहले की ही तरह शिर पर मुकुट धारण किए हुए, हाथ में गदा और चक्र लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्र बाहु, आप अपने उसी चतुर्भुज स्वरूप में होइए। कौन सा रूप देखना चाहा? चतुर्भुज रूप। अब देखना है कि चतुर्भुज रूप है क्या। श्री भगवान उवाच। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगा तेजोमयं विश्वमनंतमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, मैंने अनुग्रह पूर्वक अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपना परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसे तेरे सिवाय दूसरे किसी ने पहले कभी नहीं देखा। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः न चक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै एवं रूपः शक्य अहं त्रिलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। अर्जुन, इस मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद से, न यज्ञ से, न अध्ययन से, न क्रिया से, न उग्र तप से और न तेरे सिवाय किसी अन्य से देखा जाने को संभव हूं। अर्थात तेरे सिवाय ये रूप अन्य कोई देख नहीं सकता। तब तो गीता आपके लिए बेकार है। भगवत दर्शन की भी योग्यताएं अर्जुन तक सीमित रह गई, जबकि पीछे बताए आए हैं कि अर्जुन, राग भय और क्रोध से रहित अनन्य मन से मेरी शरण हुए बहुत से लोग ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। यहां कहते हैं तेरे सिवाय न कोई देख सका है और न भविष्य में कोई देख सकेगा। अतः अर्जुन कौन है? क्या कोई पिंडधारी है, कोई शरीरधारी है? नहीं, वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। अनुराग विहीन पुरुष न कभी देख सका है और न भविष्य में कभी देख सकेगा। सब ओर से चित्त समेट कर एकमात्र इष्ट के अनुरूप राग ही अनुराग है। अनुरागी के लिए ही प्राप्ति का विधान है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रिं ममेदं व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। इस प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता न हो और मूढ़ भाव भी न हो कि घबरा कर अलग हो जाओ। अब तू भय रहित और प्रीति युक्त मन से उसी मेरे इस रूप को अर्थात चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय उवाच। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा
स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोला, सर्वत्र वास करने वाले देव उन वासुदेव ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने रूप को दिखाया। फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य वपुः अर्थात प्रसन्न होकर भयभीत अर्जुन को धैर्य दिया। अर्जुन बोला, अर्जुन उवाच, दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। जनार्दन, आपके इस अत्यंत शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न चित्त हुआ और अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूं। अर्जुन ने कहा था कि भगवान, अब आप मुझे उसी चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराइए। योगेश्वर ने कराया भी, किंतु अर्जुन ने जब देखा तो क्या पाया? मानुषम रूपम, मनुष्य के रूप को देखा। वस्तुतः प्राप्ति के पश्चात महापुरुष ही चतुर्भुज और अनंत भुज कहलाते हैं। दो भुजा वाला महापुरुष तो अनुरागी के समक्ष बैठा ही है, किंतु अन्यत्र कहीं से कोई स्मरण करता है तो वही महापुरुष उस स्मरणकर्ता से जागृत होकर उसका भी मार्गदर्शन करता है। भुजा कार्य का प्रतीक है, वे भीतर भी कार्य करते हैं बाहर भी, यही चतुर्भुज स्वरूप है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म क्रमशः वास्तविक लक्ष्य घोष, साधन चक्र का प्रवर्तन, इंद्रियों का दमन और निर्मल निर्लेप कार्य क्षमता का प्रतीक मात्र है। यही कारण है कि चतुर्भुज रूप में उन्हें देखने पर भी अर्जुन ने उन्हें मनुष्य रूप में ही पाया। चतुर्भुज महापुरुषों के शरीर और स्वरूप से कार्य करने की विधि विशेष का नाम है, न कि चार हाथ वाले कोई कृष्ण थे। श्री भगवान उवाच, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। महात्मा श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मेरा ये रूप देखने को अति दुर्लभ है, जैसा कि तूने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की इच्छा रखते हैं। वस्तुतः सभी लोग संत को पहचान ही नहीं पाते। पूज्य सत्संगी महाराज अंतः प्रेरणा वाले पूर्ण महापुरुष थे, लेकिन उन्हें लोग पागल समझते रहे। किसी किसी पुण्यात्मा को आकाशवाणी हुई कि ये सद्गुरु हैं, केवल उन्होंने उन्हें हृदय से पकड़ा, उनके स्वरूप को पाया और अपनी गति पा ली। यही श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके हृदय में दैवी संपद जागृत है, वे देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। तो क्या यज्ञ, दान अथवा वेदाध्ययन से आप देखे जा सकते हैं? वे महात्मा कहते हैं, नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से मैं इस प्रकार देखा जाने को सुलभ हूं जिस प्रकार तूने देखा है। तब क्या आपको देख पाने का कोई उपाय नहीं है? वे महात्मा कहते हैं, एक उपाय है, भक्त्या त्वनन्यया शक्य
अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति द्वारा अर्थात सिवाय मेरे अन्य किसी देवता का स्मरण न करते हुए अनन्य श्रद्धा से तो मैं इस प्रकार प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से साक्षात जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूं। अर्थात उसकी प्राप्ति का एकमात्र सुगम माध्यम अनन्य भक्ति है। अंत में ज्ञान भी अनन्य भक्ति में परिणत हो जाता है, जैसा कि पीछे अध्याय 7 में दृष्टव्य है। पीछे उन्होंने कहा कि तेरे सिवाय न कोई देख सका है न कोई देख सकेगा, जबकि यहां कहते हैं कि अनन्य भक्ति से न केवल मुझे देखा जा सकता है अपितु साक्षात जाना और मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। अर्थात अर्जुन अनन्य भक्त का नाम है, एक अवस्था का नाम है, अनुराग ही अर्जुन है। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्त संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म अर्थात नियत कर्म यज्ञार्थ कर्म करता है, मत परमः मेरे परायण होकर करता है, जो मेरा अनन्य भक्त है, संवर्जितः किंतु संग दोष में रहते हुए वह कर्म नहीं हो सकता, अतः संग दोष से रहित होकर संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है वो मुझे प्राप्त होता है। तो क्या अर्जुन ने युद्ध किया, प्रण करके क्या उसने जयद्रथादि को मारा? निर्वैरः सर्वभूतेषु, यदि उन्हें मारता है तो भगवान को न देख पाता, जबकि अर्जुन ने देखा है। इससे सिद्ध है कि गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो बाह्य मारकाट का समर्थन करता हो। जो निर्दिष्ट कर्म यज्ञ की प्रक्रिया का आचरण करेगा, जो अनन्य भाव से उनके सिवाय किसी का स्मरण तक नहीं करेगा, जो संग दोष से अलग रहेगा, तो युद्ध कैसा? जब आपके साथ कोई है ही नहीं तो आप युद्ध किससे करेंगे? संपूर्ण भूत प्राणियों में जो बैर भाव से रहित है, मन से भी किसी को सताने की कल्पना न करे, वही मुझे प्राप्त होता है। तो क्या अर्जुन ने लड़ाई ली? कभी नहीं। वस्तुतः संग दोष से अलग रहकर जब आप अनन्य चिंतन में लगते हैं, निर्धारित यज्ञ की क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, उस समय परिपंथी राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि दुर्जय शत्रु बाधा के रूप में प्रत्यक्ष ही है, उनका पार पाना ही युद्ध है। निष्कर्ष। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कहा, भगवन आपकी विभूतियों को मैंने विस्तार से सुना जिससे मेरा मोह नष्ट हो गया, अज्ञान का शमन हो गया, किंतु जैसा आपने बताया कि मैं सर्वत्र हूं इसे मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। यदि मेरे द्वारा देखना संभव हो तो कृपया उसी स्वरूप को दिखाइए। अर्जुन प्रिय सखा था, अनन्य सेवक था, अतएव योगेश्वर श्री कृष्ण ने कोई प्रतिवाद न कर तुरंत दिखाना आरंभ किया कि अब मेरे ही अंदर खड़े सप्तर्षि और उनसे भी पूर्व होने वाले ऋषियों को देख, ब्रह्मा और विष्णु को देख, सर्वत्र फैले मेरे तेज को देख, मेरे ही शरीर में एक स्थान पर खड़े तू चराचर जगत को देख। किंतु अर्जुन आंखें मलता ही रह गया। इसी प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण 3 श्लोकों तक अनवरत दिखाते गए, किंतु अर्जुन को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। सभी विभूतियां योगेश्वर में उस समय थीं, किंतु अर्जुन को वे सामान्य मनुष्य जैसे ही दिखाई पड़ रहे थे।
तब इस प्रकार दिखाते दिखाते योगेश्वर श्री कृष्ण सहसा रुक जाते हैं और कहते हैं, अर्जुन इन आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता, अपनी बुद्धि से तू मुझे परख नहीं सकता। लो अब मैं तुझे वह दृष्टि देता हूं जिससे तू मुझे देख सकेगा। भगवान तो सामने खड़े ही थे, अर्जुन ने देखा, वास्तव में देखा। देखने के पश्चात क्षुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने लगा जो वास्तव में त्रुटियां नहीं थी। उदाहरण के लिए, भगवन कभी मैंने आपको कृष्ण, यादव और कभी सखा कह दिया था, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने क्षमा भी किया क्योंकि अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार कर वे सौम्य स्वरूप में आ गए, धीरज बंधाया। वस्तुतः कृष्ण कहना अपराध नहीं था, वे सांवले थे ही, गोरे कैसे कहलाते, यदुवंश में जन्म हुआ ही था। श्री कृष्ण स्वयं भी अपने को सखा मानते ही थे। वास्तव में प्रत्येक साधक महापुरुष को पहले ऐसा ही समझते हैं। कुछ उन्हें रूप और आकार से संबोधित करते हैं, कुछ उनकी वृत्ति से उन्हें पुकारते हैं और कुछ उन्हें अपने ही समकक्ष मानते हैं, उनके यथार्थ स्वरूप को नहीं समझते। उनके अचिंत्य स्वरूप को अर्जुन ने समझा तो पाया कि ये न तो काले हैं और न गोरे, न किसी कुल के हैं और न किसी के साथी ही हैं, इनके समान कोई है ही नहीं, तो सखा कैसा, बराबर कैसा। यह तो अचिंत्य स्वरूप है, जिसे यह स्वयं दिखा दे वही इन्हें देख पाता है। अतः अर्जुन ने अपनी प्रारंभिक भूलों के लिए क्षमा याचना की। प्रश्न उठता है कि जब कृष्ण कहना अपराध है तो उनका नाम जपा कैसे जाए। तो जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने जपने के लिए स्वयं बल दिया, जपने की जो विधि बताई, उसी विधि से आप चिंतन स्मरण करें। वह है ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। ओम अक्षय ब्रह्म का पर्याय है। ओ अहम स ओम, जो व्याप्त है वह सत्ता मुझ में छिपी है, यही है ओम का आशय। आप इसका जप करें और ध्यान मेरा करें। रूप अपना, नाम ओम का बताया। अर्जुन ने प्रार्थना की कि चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। श्री कृष्ण ने उसी सौम्य स्वरूप को धारण किया। अर्जुन ने कहा, भगवन आपके सौम्य मानव स्वरूप को देखकर अब मैं प्रकृतिस्थ हुआ। मांगा था चतुर्भुज रूप, दिखाया मानुषम रूपम। वास्तव में शाश्वत में प्रवेश वाला योगी शरीर से यहां बैठा है, बाहर दो हाथों से कार्य करता है और साथ ही अंतरात्मा से जागृत होकर जहां से भी जो भाविक स्मरण करते हैं, एक साथ सर्वत्र उनके हृदय से जागृत होकर प्रेरक के रूप में कार्य करता है। हाथ उसके कार्य का प्रतीक है, यही चतुर्भुज है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तेरे सिवाय मेरे इस रूप को न कोई देख सका और भविष्य में न कोई देख सकेगा। तब गीता तो हमारे लिए व्यर्थ है, किंतु नहीं। योगेश्वर कहते हैं, एक उपाय है, जो मेरा अनन्य भक्त है, मेरे सिवाय जो दूसरे किसी का स्मरण न करके निरंतर मेरा ही चिंतन करने वाला है, उसकी अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने को, अर्थात जैसा तूने देखा है, तत्व से जानने को और प्रवेश करने को भी सुलभ हूं। अर्थात अर्जुन अनन्य भक्त था, भक्ति का परमार्जित रूप है अनुराग, इष्ट के अनुरूप लगाओ। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, अनुराग विहीन पुरुष न कभी पाया है और न पा सकेगा। अनुराग नहीं है तो कोई लाख योग करे, जप करे, तप करे या दान करे, वह नहीं मिलता। अतः इष्ट के अनुरूप राग अथवा अनन्य भक्ति नितांत आवश्यक है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म को कर, मेरा अनन्य भक्त होकर कर, मेरी शरण होकर कर, किंतु संग दोष से अलग रहकर,
संग दोष में यह कर्म हो ही नहीं सकता। अतः संग दोष इस कर्म के संपादित होने में बाधक है। जो बैर भाव से रहित है वही मुझे प्राप्त करता है। जब संग दोष नहीं है, जहां हमें छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं, बैर का मानसिक संकल्प भी नहीं है, तो युद्ध कैसा? बाहर दुनिया में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, किंतु विजय जीतने वालों को भी नहीं मिलती। दुर्जय संसार रूपी शत्रु को असंगता रूपी शस्त्र से काटकर परम में प्रवेश पा जाना ही वास्तविक विजय है, जिसके पीछे हार नहीं है। इस अध्याय में पहले तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टि प्रदान की, फिर अपने विश्व रूप का दर्शन कराया। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामैकादशो अध्यायः। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत्।